जनपद फतेहपुर में आज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के नेतृत्व में विकास के क्रम में रफ्तार भर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी अपराध को लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब हो पाया है। जनपद फतेहपुर के मालवा थाना के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह व उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर उमेर गन्ना के जंगलों में छिपकर अवैध रूप से शस्त्रों का निर्माण करने व उन्हें अन्य जनपदों में बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए COCT राजेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उमर गहना गांव के बाहर तालाब के किनारे के पास कोठी के बीच में वस्तुओं के निर्माण करने की फैक्ट्री सहित अभियुक्त संतोष विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ साथ अन्य चीजें बरामद हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा शस्त्र बनाकर उन्हें बाहरी जनपदों में बेचने की बात कबूल की गई है। वहीं अपराधी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 8 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने का भंडाफोड़ किया है। उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसके वो तालाब के किनारे पास की कोठी के नीचे जो है ये अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा था। उसको मौके से गिरफ्तार किया गया मुखबिर की सूचना पे, और 8 अदद तमंचा बरामद हुआ है, जिसमें 5 अदद 315 बोर के और 3 अदद 12 बोर के, इसके अलावा कारतूस और शस्त्र बनाने का उपकरण भट्टी आदि बरामद हुई है। इसका एक आपराधिक इतिहास है, 2000 में और 2017 में इसको शस्त्र बनाने की फैक्ट्री के अंतर्गत जेल भेजा गया था। अब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, अभी तक 8 मुकदमे मिले हैं और भी दरियाफ्त किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि वो कहाँ से बंद हुआ है। और पुलिस अधीक्षक का अध्यक्ष उसको 15,000 रुपये के नगर पुरस्कार से पुरस्कृत करने की मुद्दत गई है, और जो इसका नोट कर लिया गया है और जिनको असलाह बेचा है उसको जो है रिकवर करने का प्रयास किया।